हेलो दोस्तों, आपका नित्य बायोलॉजी स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम 11वीं बायोलॉजी के 5th चैप्टर जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू है, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग सेल इलोंगेशन टेक्स प्लेस बाय। इसका मीनिंग है दोस्तों, सेल इलोंगेशन जो है उसके टाइम में सेल वॉल की ग्रोथ कैसे होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी रहती है और इसमें क्या कौन सा कंटेंट रहता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, प्रोटीन्स एंड सेलुलोज। नेक्स्ट एमसीक्यू दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है, क्यों है, इसमें क्या रहता है। इसका मीनिंग है दोस्तों, इसका आंसर है बी, लिपिड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू दोस्तों, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, सेल वॉल किस में रहती है, कौन से सेल में रहती है, प्लांट सेल में रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल में रहती है, अल्गल सेल में रहती है और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्लांट सेल। नेक्स्ट एमसीक्यू दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, इसका सही आंसर है सिलेक्टिवली परमेबल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज, इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सर्कुलर। नेक्स्ट वाला एमसीक्यू दिया है यहाँ पे, लाइसोसोम्स आर नॉट हेल्पफुल इन, क्या लगता है आपको आंसर। इसका सही आंसर है सेलुलर डाइजेशन। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम जो है उसका फंक्शन जो रहता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके लिए इसका आंसर सेलुलर डाइजेशन नहीं रह सकता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनेल कंटेन डीएनए। इसका सही आंसर है सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू दोस्तों, गॉल्गी बॉडी इज एब्सेंट इन, इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब है ऑल, प्रोकैरियोटिक में, मैच्योर मैमिलियन आरबीसी में और यूकैरियोटिक में, सब में गॉल्गी बॉडीज एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, प्लांट्स हैव नो सर्कुलेटरी सिस्टम, देन हाउ सेल्स मैनेज इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। मीन्स प्लांट सेल में तो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहती है, वो सिर्फ एनिमल में रहती है, कई एनिमल में। तो प्लांट्स के जो सेल रहते हैं वो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट कैसे एडजस्ट करते हैं, वो मैनेज करते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो और लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इज न्यूक्लियोलस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। इसका आंसर है नो, न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन रिप्लेस्ड सैंडविच मॉडल प्रपोज्ड बाय डेनेली एंड डेवसन, और व्हाई, ऐसा क्यों है। इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीसी सरफेस नॉर्मली शोज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल, व्हेन डिटरमाइनिंग ब्लड ग्रुप डू दे प्ले एनी रोल। इसका आंसर भी यहाँ पे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाउ साइटोप्लाज्म डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म इन केमिकल कंपोजिशन। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसका आंसर भी आप लिख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो RER और SER जो रहते हैं इसका आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउसेस ऑफ द सेल, गिव रीजन। आपको यहाँ इसका रीजन देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो पावर हाउसेस रहता है, वो क्यों इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस बोलते हैं सेल का। तो इसके आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। ओके, प्लास्टिड को तीन टाइप्स रहते हैं, एक है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके दोस्तों,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, लेबल द डायग्राम्स एंड राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ कंसेप्ट इन योर वर्ड्स. यानी कि डायग्राम लेबल करनी है और उसका जो डिटेल है कंसेप्ट आपके वर्ड में उसको एक्सप्लेन करना है. ओके, तो पहला जो डायग्राम है दोस्तों ए, वो है माइटोकॉन्ड्रिया. बी की डायग्राम दी हुई यहाँ पे, वो है क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट डायग्राम है सी, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके यहाँ पे फंक्शन भी दिया हुआ है. डी की डायग्राम जो दी हुई है यहाँ पे, वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, को गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं और गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं. ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे, कंप्लीट द फ्लो चार्ट. यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे दो जो है ब्लैंक उसको अपन को फिल करना है. तो पहला ब्लैंक है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और दूसरा जो ब्लैंक है यहाँ पे आपको लाइसोसोम ही करेक्ट आंसर आता है. ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन का है, लेबल द ए बी सी डी इन अबो डायग्राम एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेल्स ए एंड बी. यहाँ पे चार लेबल दिए हुए हैं डायग्राम को, इसमें से कौन ए एंड बी का लेबल जो है उसका फंक्शंस आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका फंक्शन देने का है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है ऐसा. ठीक है, तो पहला ए है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा बी है वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम शो करता है, सी जो है गोल्गी बॉडी डिस्प्ले करता है और डी का जो ऑर्गेनेल है वो लाइसोसोम डिस्प्ले करता है. ओके, उसका फंक्शन भी मैंने वन बाय वन दे दिया है, आप उसको लर्न कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल के आप नोट पे नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो. सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई ईच सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स फ्रॉम इट्स डिस्क्रिप्शन बिलो. तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिलेक्टिवली परमिएबल. ओके, सो एट क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पे, ओनियन सेल्स हैव नो क्लोरोप्लास्ट, हाउ कैन वी टेल दे आर प्लांट्स. ओनियन सेल में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है, फिर भी आप उसको प्लांट्स कैसे बोल सकते हो. इसका आंसर यहाँ पे दिया है दोस्तों, आप लर्न कर सकते हो, नोटबुक में लिख सकते हो और एग्जाम के लिए आपको काम में आ सकता है. डू यू हैव एनी क्वेश्चन दोस्तों, सो कमेंट प्लीज. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, विजिट माई ब्लॉग. थैंक यू.